ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो वेट कर रहे थे आईसीआर यूजी थर्ड राउंड का, कट ऑफ कहां तक गया था उसके बारे में चर्चा करेंगे। और बता दूं कि थर्ड राउंड में आपके बहुत ज्यादा हाई रैंक होने के बावजूद भी आपको कॉलेज मिला है अगर आपने काउंसलिंग अच्छे से किया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन के लिए इस बार क्या कट ऑफ गया है। तो वैसे आपको बता दूं मैं, आईसीआर के अंदर टोटल 12 कोर्स थे, ठीक है, उनमें से 5 ऐसे कोर्स थे जिनमें एबीसी ग्रुप के बच्चे भी इलिजिबल थे, पीसीबी के भी इलिजिबल थे और पीसीएम के भी इलिजिबल थे। एंड बाकी ऑलमोस्ट सारे कोर्स में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग को छोड़े तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में पीसीएम ग्रुप के बच्चे एलिजिबल थे, बाकी ऑलमोस्ट कोर्स में काफी यूनिवर्सिटी में पीसीबी के बच्चे भी एलिजिबल थे, ठीक है। बायोटेक में मोस्टली बच्चे हैं वो पीसीबी वाले जाते हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर का कट ऑफ क्या गया है, ताकि आप एक सोच सकते हो यार अपग्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कंप्लीट डिस्कस करते हैं और सिलेक्शन के लिए पहले कट ऑफ बता दूं कि जिन लोगों का रैंक इस बार, पहली चीज तो ये क्लियर कर लेना, आपका 21,000 रैंक था, उन बच्चों के नंबर थे 88, समझ रहे हो बात को, यानी कि ऑलमोस्ट 25,000 से 27,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है। लोग वीडियो लेके आ रहे हैं 30,000 पे मिला बीएससीएजी, भाई पहले उनको समझा दो 30,000 बच्चे ही नहीं थे, कहां से लेके आ गए तुम, ठीक है। तो उनके बहकावे में मत आओ, फालतू में चीजें सुनने से पहले उनका ऑफिशियल चीजों का प्रूफ भी दिखा, ठीक है। तमाम प्रकार के बच्चों के डाउट है और बच्चे गुमराह हो रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं सर इतने रैंक पे हो गया नहीं हो गया। देखो कट ऑफ हमेशा बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है, मैंने आपको पहले भी बताया था हर स्टेट का रिजर्वेशन होता है 40% का, एक स्टेट से 40% बच्चों का ही सिलेक्शन होता है। बात करूं राजस्थान के एससी और एसटी कैटेगरी के बच्चों का, तो उनका 10,000 रैंक के अंडर में था तो भी उनको बीएससी एजी नहीं मिला, काफी बच्चों को 7,000 रैंक पे भी बीएससी एजी अलॉट नहीं हुआ एससी एसटी कैटेगरी में। वैसे ही बात करूं उत्तराखंड के बच्चों की, तो हमारे ही एक मेंटोरशिप का बच्चा था जिसका 13,000 कुछ रैंक था एससी कैटेगरी में, जोधपुर यूनिवर्सिटी उसको एग्रीकल्चर में अलॉट हो गया, ठीक है। ये बहुत सारे स्टेट पे भी डिपेंड करता है, आपके चॉइस प्रेफरेंस पे भी डिपेंड करता है। तमाम प्रकार के एग्जांपल भी बताऊंगा बच्चों की, किस रैंक पे कौन से स्टेट में बच्चों को कॉलेज अलॉट हुए हैं। फिलहाल राजस्थान के बच्चों के लिए कट ऑफ है वो ज्यादा गया है, हालांकि बीएससी हॉटिंग में काफी कट ऑफ है वो कम भी हुआ है। टेंशन मतलब फोर्थ राउंड में आपका कट ऑफ है, जो मैंने कट ऑफ यहाँ पे बताऊंगा उनसे 500 रैंक तक आप और नीचे मान के चलना कि इससे 500 रैंक तक नीचे भी आपको कॉलेज मिलेगा, क्योंकि काफी बच्चों को थर्ड राउंड में कॉलेज अलॉट हुए हैं, काफी बच्चों के डॉक्यूमेंट रिजेक्ट होंगे। इस बार का सिचुएशन ये है कि 21K रैंक था एक बच्चे का, 21,009 रैंक था उसको पीएच कैटेगरी में, तो भाई 21,000 पे बीएचओ अलॉट हुआ है। ये चीज आप यकीन नहीं करोगे, मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको उसका ऑफिशियल प्रूफ दिखा, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करता हूं बीएससी एग्रीकल्चर के कट ऑफ में, जितने मेरे पास में डाटा मिले हैं, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग बता रहा हूं, ठीक है। तेलंगाना का बच्चा है, जनरल कैटेगरी में 9,139 रैंक पे बीएससी एग्रीकल्चर मिला है, ओबीसी कैटेगरी में 9,688 रैंक पे बीएससी एजी अलॉट हुआ है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 11,231 रैंक पे अलॉट हुआ है, एससी कैटेगरी में 13,042 रैंक पे, जो हमारे पास में मृदुल शाह करके एक लड़का था उसका है, जोधपुर यूनिवर्सिटी मिली है, ठीक है, उसका बताया था। और आपका एससी कैटेगरी के अंदर 14,156 पे लोट हुआ है। उसके बाद में अदर कैटेगरी में बीएचयू मैंने बताया था आपको 21,009 रैंक पे भी बीएचयू बीएससी एजी अलॉट हुआ है, जिसकी पीएच रैंक 88 थी, तो समझ सकते हैं कट ऑफ कितना गिर रहा है, गॉट इट। अब मेरी बात को यहाँ पे समझना, ये जो मैंने कट ऑफ बताई है ये ऑल ओवर स्टेट को देखते हुए बताई है, ठीक है, ये आपकी ऑल ओवर स्टेट को देखते हुए। लेकिन बात करूं मैं राजस्थान के बच्चों के लिए, राजस्थान स्टेट के लिए कट ऑफ का, तो इनका वही है कि बीएससी एजी इनको नॉर्मली है वो 5,500 रैंक तक अलॉट हुआ है, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी में 5,700 कुछ 750 के समथिंग ऐसा कुछ रैंक था, मैं एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में लगभग मेरे पास में जो डाटा थे 5,500 के समथिंग ही है, हो सकता है किसी को 6,000 पे मिला है। एसटी कैटेगरी के अंदर राजस्थान के बच्चों को 7,600 रैंक पे बीएससी एजी मिला है,
कुछ ऐसे बच्चे थे जिनको 12 12 13 13 हजार पे भी राजस्थान के बच्चों को अलॉट हुआ है। ये गणित मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी कैटेगरी के बच्चों को मैं बता दूं कि आपके बीएससी एग्रीकल्चर जो यहाँ पे राजस्थान के बच्चों को अलॉट हुआ है वो मेरे पास में जो डाटा थे 7900 तक का था। काफी बच्चों ने मेरे को भेजा भी था कि सर दूसरे बच्चों को 12-12 हजार पे भी मिला, हो सकता है किसी बच्चे को मिल जाए या फिर वो हो सकता है राजस्थान इस सेट से बिलोंग नहीं करते हैं तो दूसरों को बाकी राजस्थान के इसी रैंक तक बीएससी एजी मिला है, बाकी सब कहने की बातें हैं, कुछ अलॉट नहीं हुआ है। ठीक है, ये बीएससी एजी की कट ऑफ हो गई है। बात कर लेते हैं बीएससी हॉर्टिकल्चर की कट ऑफ। तो ये आपके बीएससी हॉर्टिकल्चर की कट ऑफ है, जनरल कैटेगरी में 10,890 पे अलॉट हुआ है, ओबीसी कैटेगरी में 13,500 रैंक पे अलॉट हुआ है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 13,877 रैंक पे अलॉट हुआ है, एसटी कैटेगरी में 15,783 रैंक पे अलॉट हुआ है, एससी कैटेगरी में 15,430 रैंक पे अलॉट हुआ है। हो सकता है इनसे ज्यादा भी हो जाए, जो मेरे पास में डाटा मिले उनके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। ऑफिशियल डाटा तो अगले साल जब आईसीआर अपना कट ऑफ रिलीज करेगा उसी टाइम पता चलेगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब राजस्थान के बच्चों की आप ऐसे मत सोचना कि राजस्थान के बच्चों की कट ऑफ ज्यादा गई है। जनरल का राजस्थान के बच्चों का मेरे पास में डाटा नहीं था, ओबीसी कैटेगरी में राजस्थान के बच्चों का मेरे पास में डाटा था। 10,300 रैंक पे आपको बीएससी हॉटी अलॉट हुआ है। ठीक है, 10,300 रैंक पे बीएससी हॉटी अलॉट हुआ है। बात करूं मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में राजस्थान के बच्चों को 11,300 के समथिंग या फिर 11,400 के समथिंग कुछ ऐसा रैंक था, उसमें बीएससी हॉटी अलॉट हुआ है। एसटी कैटेगरी में राजस्थान के बच्चों को ये आप देख सकते हो कि 13,500 रैंक तक तो राजस्थान के बच्चों को हॉर्टिकल्चर है वो अलॉट हुआ है। ठीक है, बाकी अदर स्टेट के ये भी देख सकते हो कि नॉर्मली आपको बीएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर है वो आपको 15,783 रैंक पे भी अलॉट हुए हैं। बाकी इनमें आपने अगर पेपर दिया है आपका 25,000 रैंक है तो भी आपका सिलेक्शन हो गया है, अदर कैटेगरी का कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ने से पहले एक चीज बता देता हूँ, जिन लोगों के मार्क्स कम है वापस से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जिनका अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है, ऑफ लेके बैठे हैं, बहुत ज्यादा रैंक खराब है तो टेंशन मत लो। रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिशन ने बेहतरीन रिजल्ट है वो आईसीएआर 2024 में दिया है, जिसके टॉप टॉप यूनिवर्सिटीज में रॉयल के बहुत बच्चे गए हैं। अगर आपको भी 2025 में प्रिपरेशन करके देश के टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ना है तो आज ही ज्वाइन करें रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिशन के बैच को। ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और जिन लोगों को ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना है वो हेल्पलाइन नंबर पे जो दे रखे हैं इनके ऊपर कॉन्टेक्ट करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स आपको आप लेते हो तो ये फैसिलिटीज आपको अवेलेबल होने वाली है, तो ऑनलाइन भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिनमें सैकड़ों बच्चों का सिलेक्शन है और वो रॉयल ने इस साल करवाया है। ओके, अब मैं बात कर लेता हूं फॉरेस्ट्री की कट ऑफ के बारे में। तो जनरल कैटेगरी में 12,895 रैंक पे फॉरेस्ट्री मिला है, ओबीसी कैटेगरी में 13,422 रैंक पे मिला है, ईडब्ल्यूएस और एसटी कैटेगरी का डाटा नहीं है लेकिन मान के चलो एसटी कैटेगरी में आपको 16,000 रैंक तक भी अलॉट हुआ है, ईडब्ल्यूएस में 14,000 के समथिंग रैंक पे अलॉट हुआ है, एससी कैटेगरी में 17,435 पे अलॉट हुआ है, अदर कैटेगरी में आपने पेपर दिया है तो भी आपका सिलेक्शन हो गया। अदर कोर्स की कट ऑफ बता देता हूं मैं, मेनली बात करता हूं आपका बीएससी नेचुरल फार्मिंग के बारे में। तो नेचुरल फार्मिंग आपको लगभग 9,800 रैंक तक है वो अलॉट हुआ है। ठीक है, उसके बाद में बात कर लेता हूं मैं जो अगला कोर्स है वो आपका है बीटेक बायोटेक्नोलॉजी। तो बीटेक बायोटेक्नोलॉजी आपको लगभग 8,500 से लगाकर 9,710,300 रैंक पे भी बच्चों को कॉलेज है वो अलॉट हुए हैं। ठीक है, ये है बीटेक बायोटेक का सिचुएशन। उसके बाद में बात कर लेता हूँ डेयरी टेक्नोलॉजी का। डेयरी टेक का बहुत अच्छा कट ऑफ कुछ गया नहीं है। ठीक है, डेयरी टेक आपको 19,000 रैंक पे भी अलॉट हुआ है। बच्चा था राजस्थान का ही ओबीसी कैटेगरी का, उनका रैंक 14,000 था और लुआस जैसे टॉप टॉप यूनिवर्सिटी में वो डेयरी टेक में एडमिशन ले रहे हैं, तो समझ सकते हैं क्या कट ऑफ गया है। बात करूं एनडीआरआई की मैं डेयरी टेक की कट ऑफ की, तो एनडीआरआई में डेयरी टेक है वो आपको 4,000 रैंक पे भी अलॉट हो रहा है। ये सिचुएशन है इसके कट ऑफ की, तो ज्यादा कुछ कट ऑफ गया नहीं है, बहुत लो कट ऑफ गया है, जितना सोचा नहीं है उतना कट ऑफ कम गया है। होप करो कि फोर्थ राउंड में भी आपका कट ऑफ कम जाएगा।
ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। राजस्थान के बच्चों का हो सकता किसी का काउंसलिंग सही नहीं हुआ है या किसी का अपग्रेडेशन नहीं हो रहा, तो उनके कोई रीजन और भी बन सकते हैं। इस गणित को मैं भी अभी तक नहीं समझ पा रहा हूँ, ये किस अकॉर्डिंग सीट अलॉट करते हैं। ठीक है, जिस दिन मेरे को ये चीजें समझ में आएगी तो मैं डिटेल में इनका एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा। बाकी फिलहाल मॉपअप राउंड में भी बहुत ज्यादा सीटें वैकेंट रहेगी। जिन लोगों को हमारे मेंटोरशिप की नीड है, एक अच्छे से काउंसलिंग करके मॉपअप राउंड में सीट लेनी है, तो मेंटोरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ में शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि ऐसी ही वीडियो सबसे पहले टाइम टू टाइम आपको देखने को मिले। बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।